दोस्तों तो बरेली स्टेशन पहुंच गए हैं, इसे दिख रहे हैं ये देखो, इसमें 4 मिनट दिखा रहा है मात्र, 1.5 किलोमीटर है। अकाउंट पे टाइम पे मिलेंगे, काउंटर पहले खाना खत्म कर ले फटाफट, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। मिलता है तो ये रूम नंबर 204 है, इसको भी हमने बुक किया था वापस से, क्योंकि भाई जब बंदे ज़्यादा थे तो इस चक्कर में हमने 2 रूम कर लिया। ये कमरा उन्होंने वापस से मिला माता रानी की कृपा से। तो देखो अगर आप आते हो ना तो इस टाइप से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कमरा मिलता है आपके लिए, ठीक है। ये पूरा कमरा हो गया है, वॉशरूम में दिखा देता हूँ वापस से, और ये पूरा क्लीन वॉशरूम इसमें मिलता है। कितने का है, कितने का कमरा है, तो 600 रुपये का कमरा है, जिसमें टीवी वगैरह सर ये लगी हुई है, चलती है, बस सारे पेड चैनल भी आते हैं इसके अंदर। तो ये रहा, ऐसे बिल्कुल इस टाइप का कमरा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से चलने का समय हो गया है, वही है कमरा नंबर 204। अब चले यहाँ से, छुटके अपना सामान लेके नीचे पहुँच गई हैं, खाना वाना खा के बिल्कुल ओके हो चुके हैं फाइनल। दूसरा कमरा किया था, इस कमरे का नंबर कहाँ गया, हाँ दूसरा कमरा किया था 209 वाला, इसमें 3 बेडरूम वाले फैसिलिटीज़ है, इसमें 2 बेडरूम वाली थी। तो चलिए भाई चेकआउट कर दिया हमने यहाँ से, लगेज पूरा पैक होकर नीचे चला गया, भैया ने पहुँचा दिया था। हम नीचे पेमेंट वगैरह क्लियर करेंगे, वो पेमेंट क्लियर करके आगे निकल चलेंगे, क्योंकि 1 बजने वाला है और अभी हमको आगे पैदल भी जाना है। ये छोड़ के आए थे देखो आप, ठीक है, तो लगेज रखा हुआ है, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये कार्ड दे दो, ठीक है। इस होटल की फैसिलिटीज़ अगर आपको चाहिए हैं तो मैं यहाँ पे नंबर आपको दिखा रहा हूँ, ये नंबर पे आप कॉल, नीचे वाला जो नंबर है ना मैनेजर वाला नंबर दिख रहा है, उस पर आप कॉल करना, भैया मिलेंगे और वही आप ही कॉल पिक करेंगे। और यहाँ काउंटर पर आओगे आप तो ये वाले भैया मिलेंगे आपको, वैसे मैं नंबर आपको ड्रॉप कर दूंगा इसके अंदर, तो ब्लॉग में आपको नंबर मिल जाएगा। चलो पेमेंट करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो लगेज वगैरह लेके निकल रहे हैं, होटल ये रहा दुर्गा यात्री निवास, हम सामान पूरा लेके आ गए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो चलते हैं स्टेशन पे और रास्ते में कुछ व्यूज वगैरह दिखाते हुए देखते हुए चलते हैं और स्टेशन चलते मिलते हैं आपसे। एक बार यहाँ से भी आप दर्शन कर लो, फिर रेलवे स्टेशन से तो मैं दर्शन कराऊंगा ही कराऊंगा। चलिए जय माता दी। बच्चे आ रहे हैं, जैसे बचपन और पचपन दोनों साथ में चल रहे हैं यहाँ पे, और ये जो मुंह ढक रही है ना, ये आतंकवादी लड़की है जो मुंह ढक रही है, इसलिए जाती नहीं कि इसका फोटो में आ जाए। चलो तो मजाक था, खेत चलते हैं हम, 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है और 1.5 किलोमीटर नॉर्मल 15-20 मिनट में आप आराम से रेंगते रेंगते चलते चलते पूरा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, बस गूगल पे लगाना है आपको, पोस्टपेड नंबर अगर है आपके पास में तो सिर्फ श्री माता वैष्णो देवी आप होटल लिखो और निकल जाओ, बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। अरे नहीं सॉरी, श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन लिखना है और आप बहुत आराम से वहाँ पहुँच जाएंगे, ज़्यादा नहीं यार पास में ही, जब इतना 16-17 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली आपने तो 15 किलोमीटर कौन सी बड़ी चीज़ है। और वैसे भी यार अपने मिडिल क्लास वालों को हर जगह फाइट करने में मज़ा ही आता है, ज़िंदगी उसी में तो है कि जितना फाइट करो उसके हिसाब से ज़िंदगी के मज़े भी लेने को मिलता है, क्योंकि जब कुछ फाइट करके मिलता है तो उसका एक अलग ही नशा और अलग ही मज़ा होता है। तो चलिए जय माता दी चलते हैं, गलियों में मिलता हूँ मैं आपसे फिर। ये देखो इसमें 4 मिनट दिखा रहा है मात्र, 1.5 किलोमीटर है, 2 मिनट कम हो गए, 6 मिनट दिखा रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और 6 मिनट में आप मतलब वैष्णो देवी जो कटरा बस स्टैंड से 6 मिनट के अंदर आप आराम से रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। तो यही है फ़ायदा कि अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर है तो आराम से आप जा करके आ सकते हो इसमें बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों ये गलियों में आ चुके हैं और इसमें मतलब देखा जाए तो आराम से धीरे धीरे चलते हैं आप, है ना, अगर नॉर्मल स्पीड में भी चलोगे तो 10-11 मिनट के अंदर पहुँच जाओगे आप। ये हमारी पूरी टीम, इसमें ये एक्टिव बंदा है, ये थोड़ा सा कम एक्टिव है, वो पीछे जो आ रहा है वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, और एक ये जो छोटा बच्चा है ये हमेशा बस धूप से बचता रहता है, ये देखता है मैं कहाँ मुझे छाया मिले मैं वहाँ कूद जाऊँ जाकर के। ये मोटे मोटे मत छोड़ के तो जब तक आप क्या करिए, आप चल के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो और लिखो कमेंट में जय माता दी,
माता रानी करे यार आप सबकी मुहूर्तें पूरी हूँ, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले, सबकी झोली भरी रहे। क्योंकि मैंने ये देखा यार कि आजकल क्या पहले से ही माँ इतना प्रेम में रहती है ना कि वो बच्चा कुछ भी मांगे उसको माँ दे ही देती है, और ये सच है। मैंने आज तक जो माँ से मांगा मुझे सब मिला है, और आज भी माँ देने में कमी नहीं करती है। चलिए आ गए हैं कुछ ही दूर पे रेलवे स्टेशन गेट के पास पहुँच के मैं आपसे मिलता हूँ। ये एप्पल ट्री है, गर्मियों में आते हैं ना तो जैसे आप इस पेड़ में देख रहे हो झाड़ जैसे, मतलब डंडे जैसे उस पत्ते झड़ जाते हैं और वैसे दिखता है, पर जब ठंड में आते हैं ना तो ठंड में एप्पल ट्री पूरे के पूरे हरे भरे हो जाते हैं। और अब इसमें एक दो महीने के अंदर या जब भी वो फल आ जाएंगे, और गर्मियों में गर्मी के बाद में इसमें आराम से आपको एप्पल्स मिलेंगे। गुन्नू आज पहली बार मेहनत करते हुए 10,000 किलो का बैग गुन्नू पे लाद दिया गया है, और पिछले 300 सालों से गुन्नू उस बैग को खींच रही है पर आज तक स्टेशन नहीं पहुंच पाई है। समझ सकते हो क्यों, खाना खाने में भी इसको टाइम लगता है तो इसलिए इसको स्टेशन पहुंचने में भी टाइम लग रहा है। बेचारी मेहनत और करके खींच रही कैसे भी। चलिए अच्छा है, देखो यार बच्चों से थोड़ा मोड़ा काम करवाते हैं ना तो कम से कम वो एक्टिव बने रहते हैं, नहीं तो अपनी मम्मा जैसे हो जाएगी नहीं एक्टिव रहेगी तो। इनकी मम्मा को देख लो, पेंसिल बन के चल रही है, एक बैग बेचारा मेरे पास है एक बैग गुन्नू के पास में है, और उनको देख लो, यस मैम देखो बस हाँ हाथ हिलाने में आगे रहेंगे, खब से हाथ हिल जाएगा इनका, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो अभी आते हैं हम स्टेशन पे आता हूँ। तो दोस्तों टाइम की बात की जाए तो 1:10 हो रहे हैं, 1:20 के अंदर ये रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं जम्मू के। और एक बार और माता रानी के दर्शन, मन ही नहीं करता यार माँ का कि भाई ऐसा जब जाने का समय होता है ना तो बहुत फील होता है जैसे माँ को छोड़ के जा रहे हैं, बहुत ख़राब लगता है, पर क्या करें मजबूरी है भाई, जाना पड़ेगा, जाऊँगा नहीं तो वापस कैसे आऊँगा, और आप सबको व्लॉग कैसे दिखा पाऊँगा मैं। तो हर बार आपको देखने के लिए, व्लॉग पे बार बार आने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतना प्रेम देते हैं मेरे चैनल में, मेरे व्लॉग को। वैसे तो पता नहीं दिख पाया कि नहीं तो, हाँ नहीं दिख पा रहा है, इतना तो क्लीन नहीं है, पता देखो पॉल्यूशन वगैरह नहीं तो दिख रहा है, सामने देखोगे तो यहाँ पहाड़ के ऊपर पूरे आइस है, उसे पूरा आइस डला हुआ है पहाड़ के ऊपर जो पीछे दिख रहे हैं, ये पूरे पूरे आइस में कम्प्लीटली बर्फ के पहाड़ होते हैं है, जो पहाड़ के ऊपर बर्फ गिरती है। सब बुद्धि दो भगवान। तो ये आ गए रेलवे स्टेशन के ऊपर, कुछ फोटो वगैरह खींच लेते हैं, वो फोटो आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिलेंगे जो सिमरन की है, वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, आप जाकर उनको फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, वहाँ पे से भी मोटा दिखता है, मेरे को बहुत कम लेता है वहाँ पे क्योंकि मैं टकला पकला हूँ ना इसके लिए। तो ये अपना मेन गेट है, चले एंट्री करते हैं, अब सिक्योरिटी रीजन के कारण मैं आपको मिलूंगा अब कहाँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अंदर आ चुके हैं ये सब इधर आ रहे हैं, तो चल दिया यहाँ से हमने रेलवे लाइन से, अभी काम चल रहा है, मुझे लगता है जल्दी है ना प्लेटफॉर्म और बड़े हो जाएंगे यहाँ पे। आप देख रहे हो पहले ये जो है ना, ये आगे जो पोर्शन जो आ रहा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये नया ट्रैक बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है ये, और ये पूरा एक नया ट्रैक आ रहा है बनते हुए। तो प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे पॉपुलेशन धीरे धीरे लोग भी बढ़ रहे हैं, दर्शन करने भी आ रहे हैं, ट्रेनें बढ़ रही हैं, उसके लिए तो प्लेटफॉर्म भी बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम चल रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ये जल्द दो प्लेटफॉर्म और नए बल्कि यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। मुझे तो अगली बार आऊँगा मैं तो ये जो प्लेटफॉर्म है शायद ये दोनों कम्प्लीट मिले, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत फास्ट प्रोसेस में होता है, स्लो का तो मतलब ही नहीं है कुछ, बस बस एक पे चलना है एक पे। चलिए मैं लगेज नीचे उतारता हूँ फिर आता हूँ, लगेज नीचे उतार के मिलते हैं। जो लेके उतार रहे हैं, सबसे बड़ा फायदा क्या मालूम है, ट्रेन सामने खड़ी है और सीट नंबर भी सामने, S1 बिल्कुल सामने लगा हुआ, देखो माता रानी कितनी कृपा है, कहीं जाने जो अपने यहाँ से ऐसे उतरो और ऐसे उतर के अपने S1 में छोड़ देंगे जाकर के, तो कहीं दूर जाने का झमेला ही नहीं। पीछे पीछे इधर से नहीं पापा जी, पीछे से आ जाओ, पीछे से इधर से, उधर से पास पड़ेगा। तो चलिए सीट पे मिलते हैं, आप भी मिलो मैं भी मिलता हूँ, पहुँच के सीट पे फिर बात करते हैं। अच्छी थी ये, ठीक है तो इसमें वाल में, हाँ देख लिया आप, देखो मम्मा को नहीं देखना, जाके छोटे खाना दिखाओ अभी का सेल्फी के लिए, तो सेल्फी में कैसे खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे खड़े होते थे सेल्फी के अंदर, तो मैं बोला कि ऐसा कर लेते हैं,
बोले नहीं सेल्फी में ऐसे नहीं, आ जाओ वहाँ पे चलो वहाँ फोटो खिंचवाएंगे, दिख रहा है सामने श्री माता वैष्णो देवी का बोर्ड खिंचवाया फोटो, आज तक फोटो नहीं खिंचवाया ना, खिंचवाता हूँ मैं, चलो चले फोटो सेशन वगैरह करते हैं श्री माता वैष्णो देवी के बोर्ड पे, क्योंकि आज तक है ना बोर्ड मतलब बोर्ड आते थे कभी कभी खिंचवा रहे थे कभी कभी नहीं खिंचवाते हैं, आप लोग पर डिपेंड है, जाओ बैठो जाओ आपके पीछे पड़ी जाओ तो चले कुछ फोटो सेशन के लिए आए हैं, माता रानी का साइन बोर्ड है ये तो यहाँ फोटो वगैरह खिंचवाते हैं क्योंकि हर बार आते हैं बहुत लोग खिंचवा के डालते हैं, हम सोचे हम भी डाल लेते फोटो, ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है 2:05 बिल्कुल राइट टाइम पे, ये अंतिम बार माता रानी का दर्शन कर लो आप, अब चल रहे हैं माता रानी फिर आप बुलाना फिर आपका दर्शन करने के लिए आएंगे, ऐसा लग रहा है जैसे ना माँ के दरबार से नहीं अपने खुद के घर से जा रहा हूँ मैं, ये दो पागल बच्चे हैं यहाँ पे हमारे साथ में जो खिड़की के लिए लड़ रहे हैं, जैसे साथ में उखाड़ के लेके जाएंगे खिड़की को, खैर इनको बाद में दिखाऊंगा पहले आप माता रानी के दर्शन करना, यहाँ चले जाऊंगा मैं, ऐसा कर दो कि फिर आपके यहाँ जल्दी आ सकूँ, सारी माता रानी इनकी सारी इच्छाएं पूरी करना जो ये चाहती हैं इनको मिले, इनकी गाड़ियाँ भी हों और क्या चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े मिले, जूम करता हूँ मैं ऐसे दिखेगा नहीं, जल्दी हो जल्दी हो जल्दी, यहाँ देखो सामने धूप होते ना धुआं निकल रहा है वहाँ पे, वो दिख रहा है वहाँ पे बड़ा धुंधा धुंधा धुआं निकल रहा है, सोचो वहाँ पे भी कोई है पर यहाँ से दिख नहीं रहा है, सोचो वहाँ पे बंदा कोई है जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ पे उस पहाड़ पे, तो चलिए दोस्तों अब आपसे मिला जाएगा जम्मू पहुँच करके, क्योंकि बाकी तो व्यू आपने ऑलरेडी पहले ब्लॉग में देखे होंगे, नहीं देखे तो जाकर जरूर देखना आप, बहुत शानदार व्यू है, चलते हैं अब जम्मू मिलेंगे आप। दोस्तों 5:08 ऑलरेडी हो रहा है इस टाइम पे और जो ट्रेन है हमारी जो ट्रेन है 12:470 बरेली के लिए आके लग चुकी है, टाइम अभी है इसमें काफ़ी से 45 मिनट का है, 5:45 पे यहाँ से खुलेगी, तो चलिए ट्रेन में बैठा दिया वैसे तो उन सबको मैंने अपने अपने जगह पे, आए थे तभी भी बिल्कुल वॉशरूम के बगल में जगह मिली थी और इस बार भी वॉशरूम के बिल्कुल बगल में सीटें मिली हुई, यहाँ पे अंदर सबके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ अंदर सबके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ पे इधर बैठे हुए बैठे हुए यहाँ पे इधर सबके साथ बैठे हुए, तो चलिए दोस्तों अब आगे जैसे जैसे जर्नी चलेगी वैसे वैसे ब्लॉग में आपको अपडेट्स आते रहेंगे, और जम्मू तो अभी से हम निकल चुके हैं जम्मू से और चल दिए हैं हम आगे बरेली के लिए, तो धीरे धीरे ट्रेन एक्सीलेट करती है और जो आगे अच्छा कुछ होगा तो आपको दिखाया जाएगा, बुरा होगा तो वो भी दिखा दूंगा, देख लेना मजे कर लेना, फैमिली में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना, शाम के टाइम हो रहा है 5:50 का और धीरे धीरे सूर्य अस्त हो रहा है, आगे मिलेंगे ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ अपनी स्पीड में,
दोस्तों तो बरेली स्टेशन पहुंच गए हैं। बरेली स्टेशन के बाद में अब चलते हैं, ऑटो वगैरह करते हैं और घर पहुंचते हैं, और घर पहुंच करके इस ब्लॉग की यहीं पे समाप्ति करते हैं। आप सबको आशा और उम्मीद करता हूं कि ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट करना, और मैं सोचता हूँ वहाँ क्या मैं यहीं ब्लॉग को समाप्त कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे ना जल्दी, अगर ये ख़त्म होगा तो टाइम से आ गए बिना कोई दिक्कत परेशानी के। तो अब यहाँ पर ऑटो की बात कर रहे हैं, चलेंगे। तो दोस्तों यहीं पे इसी ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। आपने यहाँ तक वीडियो को देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन कॉल पे सेट करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो में क्या अच्छा क्या बुरा मिला आपको। मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।